कक्षा 9 गणित। मैं आर्यश प्रसाद आज आप लोगों को अध्याय 15 घन और घनाभ की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 15.1 का भाग 2 कराने जा रहा हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 4:3:2 हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए अनुपात की बात करते हैं। लंबाई में अनुपात दिया है और चौड़ाई है और ये ऊंचाई में। अनुपात कितना दिया हुआ है? ये 4:3:2 है। तो मानना पड़ेगा, माना जो लंबाई है L वो 4x ऊपर वर्ग मीटर में दिया है, तो यहाँ मीटर लेना पड़ेगा। 4 मीटर है लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई? 3x मीटर हो जाएगी। और बच गई ऊंचाई, ऊंचाई 2x मीटर हो जाएगी। अब ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है 2 होता है LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है बच्चों। और संपूर्ण पृष्ठ ऊपर दिया हुआ है। कितना दिया है संपूर्ण पृष्ठ? ये दिया है 3328 वर्ग मीटर। चलिए रख दीजिए संपूर्ण पृष्ठ की जगह ये, तो 2 हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 3328। इसमें मान रखते हैं 2 है, L का मान 4x है, गुणा 3x हो जाएगा, फिर 3x होगा, गुणा 2x हो जाएगा, फिर 2x होगा, गुणा 4x हो जाएगा और बराबर है 3328। चलिए गुणा भी करके देख लें। इस 2 को इधर भेज रहा हूं मैं, अभी रहने दो इसको यहीं। चलो ठीक है, इसका देखते हैं कितना हो गया। 4 × 3 = 12 हो गया। यहाँ 3 × 6 = हो गया, प्लस यहाँ पे 4 × 8 = हो गया, और ये कितना बन गया 3328। चलिए ये 2 तो इधर भेज ही दे रहे हो, 3 × 3 = 2, 8 के नीचे 2 आ गया, क्योंकि गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। अगर काट भी देते हैं तो 3 × 3 हो जाएगा और 3 × 6 = 12, एक बचा, फिर 2 × 12, फिर 2 × 12 और 2 × 8। चलिए 12 और 6 हो गया 18, नहीं 12 × 8 = 20 हो गया और 6 × 26 हो गया, तो ये 26x² हो जाएगा। अब आगे देखते हैं जरा क्या कर रहा है। तो x² का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1664 बटे में कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कटता है देखते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, यहाँ से काटो 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कटता है क्या, ये 64 बार कट जाएगा बच्चों। तो x² का मान कितना आ गया 64 आ गया, तो x का मान वर्गमूल 64, तो x का मान 8 आ गया। x निकलते ही सब चीजें निकल गई हमारी बच्चों, तो l कितना आ जाएगा 4x था, तो 4 × 8 = 32 हो जाएगा। ऐसे ही आपका b कितना था, b था 3x, तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा। ये मीटर में आएंगे सब बच्चों, ये भी मीटर में आ गया। और h का मान है 2x, 2 × 8 कितना हो जाएगा 8 × 16 मीटर हो जाएगा। इसके बाद जो निकालना है बच्चों वो आयतन निकालना है, तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए। आयतन बराबर होता है l, b और h। तो l बच्चों कितना है इसमें 32 है और b 24 है और h जो है वो 16 है। इनकी अब गुणा करनी है, देखते हैं गुणा करके कितना आता है। ये आ जाएगा 12288 और क्या होगा ये घन मीटर, इकाई लिखना मत भूलने क्या बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है।
इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन कितना दिया है बच्चों? ये दिया हुआ है 125 घन सेंटीमीटर। चलिए घन का आयतन का सूत्र ए क्यूब होता है और यहाँ 125 हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर 5 का क्यूब हो जाएगा, तो ए का मान 5 आ जाएगा और ये सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बच्चों जरा इसी को देखना है कि घनाभ को जोड़ करके बनाया है, कैसे बनाया गया। तो मैं यहाँ देखो एक घनाभ बना रहा हूँ बच्चों, ये घन बना रहा हूँ पहले तो ये। ये हमने एक घन बना लिया बच्चों, देखो ये घन बन चुका है, इसे करके अब बना लेंगे, जिसमें प्रत्येक कोर 5 की है। अब इसमें एक दूसरा घनाभ जोड़ा गया है, यानी कि ये एक और घनाभ जोड़ दिया गया है, ये यहां तक का लेकर के। इसके बाद एक और घनाभ जोड़ दिया गया है, तो इसको भी जोड़ दीजिए बच्चों। मतलब घन जोड़ करके 3 घन जोड़े हैं, तो ये 5 का ये था, 5 का ये था, 5 का ये था, तो 15 हो गई, यानी लंबाई घनाभ की जो हो गई वो 15 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई कितनी थी? ऊंचाई इसकी 5 ही मीटर रह जाएगी, और जो चौड़ाई थी ये भी, ये आपकी 5 ही रह जाएगी। तो बच्चों अब ध्यान रखना, घनाभ के निकाल रहा हूं, घनाभ के लिए क्या क्या हो गया? एल जो आ गया वो 3 × 5 था, यानी 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ गई? यानी कि बी बी भी 5 सेंटीमीटर आया, और एच भी आपका 5 सेंटीमीटर है। निकालना क्या था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहां निकाल दीजिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है बच्चों कितना होता है? ये होता है एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, और इसको 2 से गुणा कर देंगे यहाँ। चलिए 2, एल कितना है? 15 है, 15 × 5 हो जाएगा, फिर प्लस 5 × 5 हो जाएगा, फिर 5 × 15 हो जाएगा। देखिए कितना हो गया? 2, 15 × 5 = 75 हो गया, प्लस 5 × 5 = 25 हो गया, फिर 15 × 5 = 75 हो गया। तो जोड़ेंगे कितना जाएगा? 25 × 75 = 100 हो गया, तो ये 175 हो जाएगा। तो 175 को गुणा कर दीजिए 2 से, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, हाँ 2 × 7 = 14 और 1 = 15, 2 × 2 और 1 = 3 हो जाएगा। इतने वर्ग सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये प्रश्न नंबर 10 है। एक जलाशय घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है, और जलाशय में से 80 किलोलीटर पानी निकाल लिया गया है, तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें देखते हैं, जलाशय ये आपका दिया दिखाई दे रहा है, इसमें 20 मीटर लंबाई है, यानी एल ले लीजिए, एल हो गया इसका 20 मीटर, और जो जल स्तर है ये 15 सेंटीमीटर नीचे चला जा रहा है। देखो यहाँ पे दिया भाई 15 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, तो ये एच हो गया 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है बच्चों, और इसमें एक और चीज दिया हुआ है, आयतन ये दिया हुआ है 18 किलोलीटर, यानी ये आयतन है, तो आयतन जो है इसको लिख लीजिए 18 किलोलीटर। इसको घन मीटर सीधा बोल देंगे, 18 घन मीटर, क्योंकि यहाँ देखो संकेत में दिया हुआ है 1 किलोलीटर जो है 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो बच्चों आयतन का सूत्र लगाएंगे हम, आयतन घनाभ का, तो आयतन जो बराबर होता है वो एल बी और एच होता है। तो आयतन में एल दिया हुआ है कितना? एल दिया है आपका 20, और बी निकालना है, और एच दिया हुआ है 0.15। आयतन कितना दिया है? ये 18 हो गया, तो इससे बी निकल जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 18
बटे 20 गुणा 0.15। इसको हटाते हैं दशमलव को तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 0 से ये 0 कट जाएगी और 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से काटिए 5 किया 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। तो B का मान कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। यही B की चौड़ाई यहाँ पे लिखी हुई थी 6 मीटर, यानी ये 6 मीटर का हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई बराबर हो गया 6 मीटर और ये आंसर हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है 11वां। खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और मोटाई 24 सेंटीमीटर। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दीवार की ले लेते हैं, दीवार दीवार की लंबाई, ठीक है ना, दीवार के लिए ले रहा हूं। लंबाई इसकी कितनी है, ये है 10 मीटर। इसको बच्चों सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद चौड़ाई इसकी कितनी है या मोटाई, ये है 24 सेंटीमीटर, इसको ऐसे रहने दीजिए। और ऊंचाई कितनी है, ये है आपकी 4 मीटर। 4 मीटर मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया है, दीवार का आयतन निकाल लेंगे। दीवार का आयतन, दीवार का आयतन एल बी एच से निकलेगा बच्चों, तो एल कितना है, एल तो 1000 हो गया और बी कितना है हमारे पास 24 है और गुणा एच कितना है 400, इतने घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ये घन सेंटीमीटर। एक ईंट का आयतन भी निकाल लेते हैं, ये एक ईंट का आयतन दिया हुआ है बच्चों, कितना है 24 गुणा 12 गुणा 8 घन सेंटीमीटर। चलिए ईंटों की संख्या निकालते हैं, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन हो जाएगा बटे एक ईंट का आयतन आ जाएगा। दीवार का आयतन जो वैसे लिखना है आपको 1000 है और गुणा कितना है 24 है और गुणा 400 है और बटे में कितना आ गया, ये 24 आ जाएगा, गुणा का 12 आ जाएगा और गुणा 8 हो गया। देखो 24 से तो 24 सीधा कट गया और 4 से काटते हैं तो यहाँ तो 100 आ जाएगा और 4 दिया यहाँ आ जाएगा 12, फिर 4 से काटिए 4 दुनिया 8 आ जाएगा और 4 दुनिया 8 4 पंजे 20 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा यानी 500 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 25 पंजे 125 हो गया और 2 जीरो आ गई और बटे में 3 आ गया। ये भाग देने पर 4166.6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4167 ईंटे आ जाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभक यानी घनाभ आकार का गड्ढा खुदवाने के लिए 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय निकालिए। तो पहले देखिए लंबाई दी हुई है 8 मीटर, चौड़ाई दी हुई है कितना 6 मीटर और ऊंचाई दी हुई है, ये चौड़ाई है बच्चों और ये ऊंचाई दी हुई है कितनी, ये दी हुई है हमारे पास 3 मीटर और दर भी दी हुई है, दर को भी लिख लीजिए। दर कितनी दी है,
30 रुपये प्रति घन मीटर, 30 रुपये प्रति घन मीटर। तो देखिए क्या हो जाएगा ये। सबसे पहले निकालना है गड्ढे का आयतन, यानी इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का जो सूत्र है वो बच्चों L, B और H होता है। L कितना है हमारे पास? 8 है। B कितना है? 6 है। और H कितना है? 3 है। इनकी अब गुणा कर दी रह गई है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8 6 48 हो गया और गुणा 3 हो गया, इसकी भी गुणा कर दीजिए। 3 8 24 और 3 4 12 और 2 14 इतने घन मीटर आ जाएगा। अब जो है कुल खर्च निकाल लेते हैं, आप कुल व्यय कर दीजिए। कुल व्यय कितना हो जाएगा? आयतन जो आया है वो और गुणा दर हो जाएगी। तो आयतन आया इसका 144 और दर रखी थी 30 रुपये, इतने रुपए आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, 3 4 12 और 3 4 12 और 1 13 हो जाएगा, 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा, इतने रुपए का खर्च आएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये है आपका 13वां प्रश्न है। एक गोदाम की माप दी है 60 मीटर × 25 मीटर × 10 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर × 1.5 मीटर × 0.5 मीटर माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं, कितने क्रेट रखे जा सकते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले गोदाम का आयतन जो दिया हुआ है लिख लीजिए, गोदाम का आयतन दिया हुआ है बच्चों, ये तो कितना दिया है? 60 × 25 × 10 घन मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर मीटर में घन मीटर हो गया। 1 कैरेट का यानी कैरेट का आयतन निकालते हैं, कैरेट का आयतन कितना आ जाएगा ये भी दिया है, ये है 15 यानी 1.5 है, गुणा 1.25 है और गुणा 0.5, इतने घन मीटर हो जाएगा। तो कैरेट की संख्या निकालनी है, क्रेट की संख्या कितना आ जाएगा, यहां आएगा गोदाम का आयतन बटे 1 कैरेट का आयतन, देखिए गोदाम का आयतन तो ऊपर दिया हुआ है 60 × 25 × 10 और 1 कैरेट का कितना दिया है 1.5 है गुणा 1.25 है और गुणा 0.5 है। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों करना, ये 10 बटाएंगे तो 1 10 बढ़ा दिया, ये 10 हटाएंगे तो 100 आ जाएगा और ये वाला 10 हटाया तो इसमें 1 10 आ जाएगा। चलिए अब काटना चालू करते हैं, कैसे कटता है देखते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 × 5 5 × 2 10 हो गया, फिर 5 से काटते हैं तो 5 × 3 15 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, फिर 5 से कटेगा तो 5 से काटिए, 5 × 2 10 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, फिर 25 से काटिए तो 25 × 100 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए 3 × 2 6 हो जाएगा, 20 आ गया। जो बच गया उसको बच्चों लिख लेते हैं, 1 तो 20 बचा है और ये 10 100 आ जाएगा और 4 × 8 हो जाएगा, तो 8 × 16 हो गया और कितनी 0 3 0 आ गई, इतने कैरेट आ जाएगा, ये आंसर हो गया इसका। इस तरह से बच्चों आप निकाल सकते हो, मतलब गोदाम का आयतन बटे 1 कैरेट का आयतन रख करके और इसमें जो काट सकते हैं उसको आसानी से काट लेंगे और निकल जाएगा ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये प्रश्न नंबर 14 आ गया। ये क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, नए घन की क्या होगी भुजा, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करते हैं, हम बड़े घन की भुजा ले लेते हैं, बड़े घन का आयतन बराबर है
आठ गुना छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन तो हो जाएगा 12 की घात 3, और 8 गुना छोटे घन का जो निकालेंगे वो 1 क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसे भी कर देंगे, 12 का क्यूब हो गया और ये 2 का क्यूब हो जाएगा और गुना 1 का क्यूब हो गया। तो ये 12 का क्यूब है और ये बच्चों 2a का क्यूब हो जाएगा। तो 12 बराबर कितना हो गया 2a, तो a का मान आ गया 12/2, यानी 2 6 12, a बराबर 6 सेंटीमीटर। नए घन की भुजा पूछी थी तो इतना आ गया, तो ये लिखेंगे नए घन की भुजा। सेंटीमीटर एक आंसर आपका आ चुका है। अगला प्रश्न है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम ये लेते हैं S1/S2 का मान पूछ रहा है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुक्रमानुपाति होते हैं। इनकी A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर हो जाएगा। A1 अभी आपके सामने दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, और जो दूसरा निकाला वो हमने कितना निकाला है 6 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 12 का वर्ग बटे 6 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 कर दीजिए और 6 गुणा 6 कर दीजिए, तो 6 × 12 हो जाएगा और 6 × 12 आ जाएगा। कितना आ गया 4/1 आ गया, यानी S1/S2 आ गया, यानी S1 अनुपात S2 जो आ गया 4/1 आ जाएगा, और ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा एक और दिया है, 15वां क्वेश्चन है ये। मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाकार बॉक्स के अंदर रखकर रंगीन कागज से ढकना चाहती है। मैरी जानना चाहती है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए यदि उपर्युक्त बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है। तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। तो बॉक्स पे जो घनाभ के यानी आकार का बॉक्स है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर ही ये कागज लगेगा। तो पहले इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, पहले देख देते हैं लंबाई कितनी दी है 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी दी हुई है ये दी है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर और वर्गाकार भुजा की जो लंबाई दी है ए ये है 40 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये आ जाएगा, पहले निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है, 2 है LB है प्लस का BH है प्लस का HL है। L कितना है बच्चों, ये 80 है, B कितना है 40 है, फिर प्लस 40 गुना कितना है H 20 है, और फिर प्लस है 20 गुना H है 80। चलिए देख लीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ, 8 × 32 यानी कि ये इतना आ जाएगा, 4 × 8 यानी 800 और ये 2 × 16 यानी 1600। अब इनको जोड़ना रह गया है, ये 5600 हो गया बच्चों, इतने वर्ग सेंटीमीटर। और वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल भी निकाल लो, वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर हो जाती यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 40 × 40 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये निकालना है वर्गाकार सीटों की संख्या, तो निकल दीजिए यहाँ सीटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो संपूर्ण पृष्ठ था वो यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बटे सीट का क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार सीट है
चलिए संपूर्ण प्लस जो निकाला था वो निकाला था 2 × 5600 निकाला था, और बटे में कितना आ गया, ये 40 × 40 आ गया। एक जीरो ये कट गई, दूसरी जीरो भी कट गई। 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ, 2 से और काट दिए 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, यानी ये 28 सीट आ जाएगी, 28 सीटें आ जाएंगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी बटे में बच्चों 4 बचा रह गया था, 4 × 4 = 4 × 7 = 28, तो कुल मिलाकर के 7 सीटें ही आएंगी। ये ऊपर गलत रह गया था, 4 छूट गया था हमारा बच्चों, तो 7 सीटें आंसर आ गए। इसका मतलब ये है कि ये एक्सरसाइज आपके समाप्त हो रही बच्चों। नीचे और नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको आपको अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।